दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सी एस सी ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों आज बात करेंगे हम इंडियन आर्मी न्यू रिक्रूटमेंट एंड नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों तो आप देख सकते हैं भारतीय सेना परिवर्तन पद पर इसमें जो है नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। आपको बताया जाएगा कैसे आप इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय सारा प्रोसेस आपको सब बताया जाएगा। तो वीडियो पर बने रहे, वीडियो को पूरा देखिए, जब भी आपको पता चल पाएगा इस वैकेंसी के बारे में कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ से आपको मिलेगा फॉर्म, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, तो सारा कुछ आपको पता चलेगा जब भी जब आप वीडियो को पूरा वॉच करोगे। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करोगे, पूरा नहीं देख पाओगे, तो आपको कुछ भी पता नहीं चल पानेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहता हूँ वीडियो को पूरा देखा करो। जब आप वीडियो को पूरा देखोगे जब भी उसकी जानकारी आपको अच्छे से मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर आपको बताते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, क्योंकि इससे रिलेटेड आने वाली सभी एजुकेशन रिगार्डिंग वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस मिलती रहेगी अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे। उससे फ़ायदा ये है, जैसे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा जिसने मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। अगर चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा वीडियो आया है, कौन सा वीडियो नहीं आया है, मतलब कि कौन सी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इससे यही फ़ायदा है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लो, उससे फ़ायदा आपको है। चलते हैं फिर आपको बताते हैं, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं दोस्तों। अभी आप इंडियन आर्मी ऑन पथ ट्रांसमिशन, तो इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ, देख सकते हैं इसका ये नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन हम इसको देख सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम जान भी लेते हैं यारी। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें जो नोटिफिकेशन आया है, MHOW ग्रुप सी रिकमेंड 2023 नोटिफिकेशन फॉर MP मिलिट्री कॉलेज ऑफलाइन फॉर्म। आपका ये ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों, ये कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म है। जो भी इसमें भरना चाहता है, अपना फॉर्म डालना चाहता है, वो ऑफलाइन जो है अपना फॉर्म डाल सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे देख सकते हैं ग्रुप सी वायरस पोस्ट ऑल ऑफ इंडिया, मतलब ऑल इंडिया ये वैकेंसी है, कोई भी इसमें जो है अप्लाई कर सकता है। ये नहीं कि यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं या झारखंड वाले हैं, इसमें भी जो MP वाला है, राजस्थान है, झारखंड है, पंजाब है, जो भी इसमें फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो पढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया दे रखी है वैकेंसी। आपका जो है 19/8/2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी जो लगी गई है ऑफलाइन फॉर्म की 16/9/2023 रखी गई है दोस्तों। 18 ड्राइवर पोस्ट की है 18 से 27 साल, और जो बाकी अदर पोस्ट है उनकी 18 से 25 साल दे रखी है। अगर यहाँ पे देख सकते हैं जनरल OBW EWS के 18 से 25 ईयर है, OBC के 18 से 28 है, SC ST के 18 से 30 है, ECM इन एज पर पॉलिसी, ये आपका एज में रिलेक्शन दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं। यहाँ पे आप वैकेंसी आप देख सकते हैं वैकेंसी कौन कौन सी इन्होंने दे रखी है, MHOW ग्रुप सी क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे जो पेंटर के है वो 12वीं क्लास मांग रहा है, कारपेंटर की है, इसकी है, मोटर्स ड्राइवर्स की है, स्टोर कीपर्स की है, और यहाँ पर कुक की है, लोअर डिवीजन की है। तो यहाँ पर बहुत सारी दोस्तों अलग अलग वैकेंसी दे रखे, उसके सामने आपका जो क्वालिफिकेशन देखा है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये हाई स्कूल से है, ये भी हाई स्कूल से, ये भी इंटर से है, ये हाई स्कूल से है। तो यहाँ पर हाई स्कूल या इंटर दोनों चीज़ दोनों सही है ज़्यादातर तो। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होएगा, उसके बाद एग्ज़ाम होएगा, उसके बाद ट्रेनिंग टेस्ट होएगा, मेडिकल होएगा, इंटरव्यू होएगा आपका। और अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड ई एप्लीकेशन फॉर्म एंड PDF, आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट, आप दे दूंगा मैं इसका लिंक, तो आपको ये जो है डाउनलोड कर लेना इसका। ये PDF में जो है 14 पेज में आपका जो है इसका PDF है, 14 पेज में आप इसका जो है नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो 14 पेज में आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी यहाँ पे देख लेते हैं और क्या 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 रखा है इसमें नोटिफिकेशन में।
यहाँ पर ट्रेड आपकी दे रखी है वैकेंसी सारी, कारपेंटर है, पेंटर है, बारहवीं क्लास है और चौकीदार की भी है, मल्टीटास्किंग बोलते हैं जिसे, 10वीं क्लास से भर सकते हैं ओनली। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है, आप खुद भी देख लेने, जौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आप क्वालिफिकेशन एक बार चेक करेंगे और अपना फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 25 साल की उम्र देख रखी है, इनमें कौन कौन सी पोस्ट है, इसमें पेंटर्स, कारपेंटर्स, चौकीदार, MTS, ये सारी आपको वैकेंसी इस पोस्ट में जो है मिल रही है 18 से 25 ईयर में। अगर 18 से 27 उम्र की बात करें तो यहाँ पर आपको मोटर ड्राइवर की पोस्ट यहाँ पर मिल रही है और 5 साल की आपकी SC ST की छूट रहने वाली है और OBC की 3 साल की छूट है जो नॉन क्लेम ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। और यहाँ पर बाकी जो पेंशन वगैरह जो एक्स सर्विसमैन है उनको अलग दे रखी है छूट। यहाँ पर आपका कौन कौन सा यहाँ पे आने वाला है पेपर में देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 25 दूनी 50, 100, यहाँ पे 60 मिनट कराएगा आपका। निगेटिव मार्क्स और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी आपको दे रखा है देख सकते हैं, 0.50 यहाँ पे इसका जो है निगेटिव मार्किंग आपका कटेगा अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी इन्होंने दे रखा तो फॉर्म अच्छे से जो है फिल करें और अच्छे से इसका पेपर दें। अभी नीचे देखते हैं और क्या दे रखा है इन्होंने। अब दोस्तों इसका जो है आपको प्रिंट आउट निकलवाना है इस फॉर्म का, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको यहाँ पर जो है ये हाथ से भरना है। सबसे पहले आपको पोस्ट भरना है, उसके बाद अपनी जाति भरनी है, उसके बाद जो आपकी समझ में आता है वो आप भर लेना, जो नहीं आता है उसे आप छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नाम, उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मतलब कि एज रिलेक्शन आ जाएगा आपका, कितनी आपकी एज है दोस्तों, ये आपको भरना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये सारा भरने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने बाद यहाँ पे सारा कुछ भर लेंगे आप, उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह डाल देंगे आप अपनी, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल ID, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और यहाँ पे अपना सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ पे थंब लगाना है आपको, उसके बाद एडमिट कार्ड भी आपको साथ के साथ में जो है यहाँ पे भर के भेजना है। सबसे पहले आपको रोल नंबर मांग रहा है तो रोल नंबर आप छोड़ देंगे, उसके बाद नाम, कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम, अपनी जाति, अपनी दोबारा से जाति, उसके बाद यहाँ पर नोट एप्लीकेशन आएगा आपका और यहाँ पर आप पिन कोड अपना डाल सकते हैं। तो ये सारा भर के आप एडमिट कार्ड को भी अपने साथ साथ के साथ जो है जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके साथ वो आप अटैच करेंगे इसमें और इसको जो है सेंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको फ़ोटो भी लगाना है दोस्तों, एक एक फ़ोटो लगाना है आपका फार्म में भी और एडमिट कार्ड में भी आपको फ़ोटो लगेगा एक एक। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है इसे नोटिफिकेशन को जो है पढ़ के अच्छे से जान के सारा इसे भर के जब आप जो है यहाँ पे सेंड कर देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अलग अलग पेपर का यहाँ पे दे रखा है, ये टायर 1 टेस्ट यहाँ पे दे रखा है, कौन कौन सी वैकेंसी के लिए है, ये वाला कौन सी वैकेंसी के लिए है, तो सबका दोस्तों यहाँ पे अलग अलग इन्होंने दे रखा है। तो आप इसका फॉर्म जो है मतलब कि डाउनलोड करके जो है प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप इसे जो है फॉर्म को भर के अपना जो पोस्ट ऑफिस है कहीं भी आसपास में, बड़ा पोस्ट ऑफिस है तो अच्छी बात है, नहीं तो छोटे पोस्ट ऑफिस में भी जहाँ पे भी आप डालते हैं वहाँ पे आप अपना इसे भर के डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से फिल कीजिए, और कोई पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी आपको। जैसे जैसे मैंने इसके बारे में बता दिया आपको, इंडियन आर्मी के बारे में जो फॉर्म आपका निकाला गया है ऑफलाइन, आप इस फॉर्म को भरिए और इस फॉर्म को भर के एडमिट कार्ड का भी फॉर्म भरिए और इसे जो है अच्छे से फिल कीजिए, उसके बाद जो है इसे आप सेंड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये भेजना क्या है आपके समझ आपके मन में ये होएगा कि ये फॉर्म भर के कहाँ भेजना है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप सबसे ऊपर वाले पेज पे आएंगे, फ्रंट पेज पे, तो यहाँ पे आपको एक ब्लैंक पेज में आपको जो है यहाँ पे एड्रेस लिख रहा है, ये जो ब्लैंक पेज है यहाँ पे इतने तक यहाँ पे ये लिख रहा है, तो यहीं पर आपको जो है भेजना है। और स्पीड पोस्ट आपको भेजना है, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये वाला ऑप्शन है और यहाँ स्पीड पोस्ट आप भेज सकते हैं इसमें। और 22 रुपये का आपका इसमें स्टैम्प भी रखेगा, तो स्टैम्प आप लगा के जो है 22 रुपये का लगा के भेज सकते हैं स्टैम्प। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।